नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जौनपुर महाराजगंज क्षेत्र के सहसा स्थित चंद्रबली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के परिसर में आज प्रबंधक अमरीश सिंह के नेतृत्व में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता दिनेश सिंह बब्बू व विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता राजमणि सिंह, शैलेंद्र कुमार पांडे, आरएसएस जिला प्रचारक सत्यनारायण सिंह ने सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे आला सम्राट फौजदार सिंह ने होली खेले रघुवीर अवध में होली खेले रघुवीरा लोकगीत फागुन बहार फाग गीतों के माध्यम से होली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों का मन मोह लिया। हम आला सम्राट फौजदार सिंह जौनपुरी बसहरा कला महाराजगंज ब्लॉक जौनपुर के रहने वाले। अच्छा, आप होली में क्या संदेश देना, होली मिलन समारोह आप आए यहाँ पर चंद्रबली स्कूल में, इसके विषय में आप क्या कहें कुछ? होली के विषय में संदेश दे रहे हैं कि कम से कम होली मिलिए, होली मनाइए, होली के त्यौहार को आगे बढ़ाइए, लेकिन कोरोना से थोड़ा बच के रखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो होली के त्यौहार से बिगड़ जाएगा हमारा। आला सम्राट भी हैं आप, उस तरीके से कुछ आप चैनल के माध्यम से कुछ बताएंगे अपने कला का प्रदर्शन आप करिए कुछ अपने माध्यम से मुखारबिंद से कुछ चलाएंगा। अरे होली खेलई रघुवीरा यवधमा, होली खेलई रघुवीरा, मोदी अमित शाह मंदिर बनावई, मोदी अमित शाह मंदिर बनाव, जोगी बचावई मजीरा यवधमा, होली खेलई रघुवीरा। दिन में आयोजित ये होली मिलन समारोह गत कई वर्षों से होता चला आ रहा है और शायद एक भी ऐसा होली मिलन समारोह नहीं रहा है जिसमें कि मेरी सहभागिता न रही और सबका स्नेह प्यार मुझको न मिला। मैं महाराजगंज क्षेत्र का विशेष रूप से ऋणी हूँ कि यहाँ हमारे तमाम सहयोगी बंधु हैं जिनका इतना स्नेह प्यार मिलता है कि इस भाईचारे के कार्यक्रम में निरंतर मेरी उपस्थिति बनी रहती है और इनके प्रति मेरी संबद्धता है, वचनबद्धता है कि जहाँ जरूरत होगी इनकी हमेशा इनके दाहिने खड़ा मिलूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ इन सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी पाली की तरफ। जौनपुर से केकेडी न्यूज ब्यूरो ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा उन्नाव का द्विवार्षिक अधिवेशन सुबह लगभग 10:30 बजे से शुरू हुआ, जहां उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश सुरेश कुमार रावत ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। वहीं मुख्य अतिथि का स्वागत सभी कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा उन्नाव की कार्यकारिणी गठन हेतु निर्वाचन अधिकारी की भूमिका का निर्वहन कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील कुमार यादव द्वारा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वहीं 4 पदों पर चुनाव के लिए क्रमशः अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला मंत्री, संप्रेक्षक पद पर नाम मांगे गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर एसपी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रमेश चंद्र उपाध्याय, जिला मंत्री पद पर महेंद्र सिंह और संप्रेक्षक पद पर शरीफ का प्रस्ताव आया। वहीं सदन द्वारा किसी अन्य प्रत्याशी का प्रस्ताव न आने के कारण मात्र एक एक प्रत्याशी होने के कारण चुनाव अधिकारियों द्वारा इन सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह के साथ गोविंद सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।